बहुत सारे लोग जो है इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि आखिर हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन को कैसे स्क्रीनशॉट लें। इस बात को लेकर काफ़ी सारे लोग जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो सोगाज मैं आपको आज इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूं कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन को कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आप कोई फ़ोटो आपका कोई इम्पोर्टेंट है या कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसको आप स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट भी आया हुआ है, उसमें पूछा जा रहा है कि सर आप ये बताइए कि हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन को स्क्रीनशॉट कैसे लें। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में ये क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन को आप किस तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूँ, वो 3 मेथड से आप सीख जाएंगे बहुत ही ईजिली तरीके से कि कैसे आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आप कोई आपका कोई इंपॉर्टेंट फोटो है, डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसको आप बहुत ही ईजिली तरीके से ले सकते हैं, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बनना होगा ये सीखने के लिए कि आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन को कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि टैप हेयर टू सर्च, इसमें आपको लिख देना है स्नैपिंग टूल। इसमें देखिए यहाँ पे SNA ही डाला हूँ तो यहाँ पे आ चुका है स्नैपिंग टूल। अब इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में छोटा सा पॉपअप ओपन होकर आ जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं न्यू वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब इसमें आपको कौन सा पार्ट को आपको स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ पर आपको यह डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर जो है इतने पार्ट को मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ इस तरीके से, तो मैं यहाँ पर इतने पार्ट को स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले लेता हूँ। इसको आपको क्या करना है, कर्सर को छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट आ चुका है, अब आपको क्या करना है, यह फाइल को आपको सेव कर लेना है। इसके लिए यहाँ फाइल वाले पर जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सेव एज़ का, इस पर आपको जाना है। जैसे इस पर जाएंगे यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है आपको कहाँ पे इसको सेव करके रखना। जैसे मैं यहाँ डेस्कटॉप पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर अपना फाइल का कोई भी नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ फोटो, इस तरीके से आपको फोटो डाल देना है। यहाँ पर आपको सेव वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से मैं इसको कट करके हटा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे जो सेव किया हूँ, मैं यहाँ पे आपको इसको ओपन करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है अपने लैपटॉप के स्क्रीन को बहुत ही आसानी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि आपको जो है अपने जो कीबोर्ड है उस पर आपको विंडो और आपको प्रिंट स्क्रीन एक साथ प्रेस करना। इस तरीके से अगर आप विंडो और प्रिंट स्क्रीन का बटन एक साथ दबाते हैं तो आपका जो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और इसको देखने के लिए सिंपली आप यहाँ जाएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे और कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है पिक्चर का, पिक्चर वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट्स का, इस पर आप ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए कि मैं जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हूँ वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है कि आपको करना क्या है, आपको जो है अपने कीबोर्ड है उस पर आपको है प्रिंट स्क्रीन जो है ऑप्शन है उसको आपको प्रेस कर देना है। इसके बाद सिंपली जो है यहाँ पे आपको टैप है या तो सर्च है इस पर आपको टाइपिंग करना है पेंट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ पेंट, यहाँ पे देखिए जैसे मैं PA डाला यहाँ पेंट आ चुका है। इस वाले को ओपन करेंगे, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे Ctrl+V एक साथ प्रेस करना है। जैसे इसको प्रेस करते तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है जो मैं वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया था और प्रिंट स्क्रीन करके वो यहाँ पे आ चुका है। सो इस तरीके से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ फाइल वाले पे जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला था सेव का, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते यहाँ पर आपको ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, आपको जो है ये वो स्क्रीनशॉट लिए है उसको आप कहाँ सेव करके रखना चाहते हैं वो आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना। जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप ही चूज कर लेते हैं और यह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पिक, इस तरीके से डाल के यहाँ पे आपको सेव वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है आपका जो है सेव हो जाता है। मैं यहाँ से कट करके हटा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पिक डाला हूँ, यहाँ पे ये सेव होके आ चुका है।
सो गाइस ये तीन तरीका था जिससे आप बहुत ही इजीली तरीके से आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन को आप बहुत ही इजीली तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोफाइल है, कोई फ़ोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हैं कि हम स्क्रीनशॉट ले, अगर आपसे नहीं आता है तो आप ये वीडियो देखने के बाद सीख गए होंगे किस तरीके से आप जो है बहुत ही इजीली तरीके से अपने लैपटॉप के स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।